आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। भोपाल में महंगाई को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाती है, लेकिन महंगाई के लिए दोनों ही जिम्मेदार हैं। प्रदेश की सरकार महंगाई कम करने में असमर्थ रही है, जिससे आमजन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल में आम आदमी पार्टी ने बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दाम और महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद महंगाई काफी बढ़ी है। पेट्रोल के दाम 110 के पार पहुंच गया है, लेकिन ना तो मोदी सरकार कुछ कर रही है और ना ही शिवराज सरकार। हर चीज के बढ़े दामों से आम जनता की जेब ढीली हो गई है और सरकारें सो रही हैं। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ 15 जुलाई से देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाया था और अब जिला मुख्यालय पर संबंधित कलेक्टर के माध्यम से महंगाई के खिलाफ राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दाम और आसमान छूती महंगाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज भोपाल में प्रदर्शन किया। हमारे साथ इस वक्त तो मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह, आइए उनसे बात करते हैं क्या मुद्दे थे महंगाई को लेकर। सर, महंगाई इस समय बढ़ रही है, महंगाई को लेकर आम जनता परेशान है, आम आदमी पार्टी ने भी प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने पिछले 16 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 30 जुलाई मतलब आज के दिन आम आदमी पार्टी ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पे कलेक्टर के द्वारा महामहिम राज्यपाल को वो सभी हस्ताक्षर सौंपे हैं कि जनता आज महंगाई से त्रस्त है। जिस तरीके से आप देखेंगे डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, रसोई गैस महंगी है, दूध महंगा है, खाने का तेल महंगा है, तमाम तरह की चीज़ें जो दिनों दिन की ज़रूरतें हैं वो महंगी हैं, और दूसरी तरफ कोरोना जैसी महामारी के दौर पे करोड़ों लोगों का रोज़गार छीना है। ऐसे समय में महंगाई से जनता त्रस्त है और जनता इससे निजात चाहती है। उन जनता की आवाज़ को आम आदमी पार्टी ने महामहिम तक पहुंचाया है। भाजपा का कहना है कांग्रेस ने कमलनाथ की सरकार के दौरान जो वैट वगैरह डीजल में बढ़ाया गया था उसके कारण महंगाई आई। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने बढ़ाया, आप क्या कहते हैं? देखिए, इन दोनों पार्टियों का एक दूसरे पे दोषारोपण करना और पीछे मिलके दोनों साथ में धंधे करते हैं, जनता को साथ ही लूटते हैं। वैट तो अभी देखें, अगर आप देख लें तो मध्य प्रदेश में पेट्रोल पे 32% वैट ये ले रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, 32% है। तो देश का सबसे महंगा वो है वैट है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वैट पेट्रोल पे लिया जाता है। तमाम तरह की चीज़ें आप देखें, बिजली इतनी महंगी दे रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, सरप्लस बिजली है। आप स्कूल की फीस के नाम पर जनता को लूट रहे हैं, आप जगह जगह टोल प्लाजा लगे हैं, तमाम तरह के अन्य जो इशूज मुद्दे आ रहे हैं, जनता त्रस्त है आज। मैं किसान मंडी जाए तो वहाँ लूट मची पड़ी है, लोग राशन के दुकान पे जाएं वहाँ लूट मची पड़ी है, बढ़े हुए बिजली बिल लगातार आते जा रहे हैं, चारों तरफ से जनता को दबाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो स्वास्थ्य बिजली पानी ये सब सुविधाएं हैं उसके लिए भी जनता मोहताज हो रही। इस दौर पे कोरोना के दौर पे महामारी के दौर पे एक लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व है कि जनता के साथ खड़े हों, महंगाई को कम करें, जनता को राहत दें। लेकिन ये सरकार तो अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुँचाने वाली सरकार है, ये सरकार पूंजीपतियों की चिंता करने वाली सरकार है, ये सरकार जो रोजगार के लिए तरस रहे युवा हैं या आम जनता जो दिनों दिन की ज़रूरतों के लिए तरस रही उनकी कोई इनको चिंता नहीं। प्रदेश सरकारें भी चाहें तो महंगाई कम कर सकती हैं, क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या दिल्ली में महंगाई कम है? देखिए, दिल्ली में एक तो आप अगर देखेंगे महंगाई के सिलसिले को लेकर उस पर भी राहत है, दूसरी तरफ हम जो काम कर रहे हैं, आप सरकारी स्कूलों में मुफ्त में चीज़ें मिल रही, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, आप देखेंगे स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री हैं, आना जाना परिवहन फ्री है। यहाँ मध्य प्रदेश में तो किराया बढ़ाया जा रहा है, कई गुना बढ़ाया जा रहा है, तो एक तरफ वो राहत भी है और साथ में आप अगर देखेंगे तो दिल्ली में बड़े पैमाने पे घर घर राशन की सुविधा पहुंचाई गई है, राशन दिया जा रहा है। तो जनता को राहत देने का काम आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार कर रही है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार झूठे वादे कर रही है और जनता को लूट रही है। कोरोना में आम जनता की जो इनकम थी वो घटी है, इन महंगाई बढ़ गई है, इससे आम जनता परेशान है,
तो उसको लेकर आप अभी अभी आगे अभी क्या रणनीति रहेगी आपकी और आप कौन से आंदोलन करने जा रही है आप पार्टी? आज पार्टी ने सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करके कलेक्टर के द्वारा महामहिम को ज्ञापन दिया। इस मुद्दे पे अगर जनता को राहत नहीं मिलती तो आम आदमी पार्टी प्रदेश के अंदर प्रदेश स्तरीय बड़े कार्यक्रम करेगी, बड़े आंदोलन करेगी और जनता के साथ जनता के मुद्दों को उठाने का काम लगातार आम आदमी पार्टी करेगी। तो प्रदेश की आप पार्टी पूरी जनता के साथ मिलकर जनता के मुद्दों को उठाएगी, महंगाई के मुद्दे को लेकर उठाएगी, प्रदेश स्तर पर उठाएगी। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।